क्लास फोर्थ वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी सेकंड प्यारे बच्चों हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर वन का रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया था इस वीडियो में हम करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर टू तो चलिए ओपन करते हैं ये है आपका चैप्टर टू सबसे अच्छा बस्ता तो पहले मैं आपको इस स्टोरी का सारांश बता देती हूँ इसमें क्या है बच्चों एक लड़की यशोदा है उसे उसने अपनी माँ से बोला कि मम्मी मेरे लिए अच्छा सा एक बस्ता बना दो और जो जिसका बस्ता अच्छा होगा उसको इनाम मिलेगा तो ठीक है तो उसने उसकी मम्मी ने कहा ठीक है अच्छा सा एक बस्ता बना देंगे और इनाम में गुड़िया भी मिलेगी तो मैं तो उन्होंने बहुत ही प्यारा करके एक सुंदर सा उसके लिए एक बस्ता बना दिया तो बच्चों वो बहुत खुश हुई कि मेरी मेरा बस्ता सबसे अच्छा लग रहा है ठीक है ना तो उसके बाद क्या हुआ कि जब जब वो अपने स्कूल जा रही थी बच्चों तो उसने पता रास्ते में क्या देखा उसने देखा कि एक जो बूढ़ी स्त्री है वहाँ पर गिरी पड़ी है सड़क पर और खून टपक रहा है उसका जगह जगह से और मखिया बैठ रही हैं उस पर बहुत सारी वो बुढ़िया बहुत कमजोर थी और मखिया भी नहीं उड़ा पा रही थी तो बच्चों फिर क्या हुआ वो चिल्ला चिल्ला कर दया की भीख मांग रही थी कोई मुझे दया करो मुझ पर दया करो रक्षा करो मुझे बचाओ मुझे बचाओ तो तब ये क्या हुआ जब उसे मक्खिया परेशान कर रही थी तो यशोदा से सब देखा नहीं गया बच्चों तो पता उसने क्या किया उसने जल्दी से अपना वो बस्ता जो उसकी मम्मी ने सिला था उसके लिए उसने उसके टाके खोल दिए उसने उसकी सिलाई निकाल दी और उस सुंदर वाले फूले वाले फूलों वाले बैग को जो है उसने बुढ़िया के घावों पर ढक दिया वो वही बस्ता था, था बच्चों जो कि उसे उसने अपनी क्लास में दिखाने के लिए तैयार करवाया था अपनी मैम को दिखाने के लिए वो तो भूली भी नहीं समा रही थी कि मुझे आज अच्छा सा इनाम मिलेगा क्योंकि मेरा वस्ता बहुत प्यारा था उसकी मम्मी ने अच्छा सा सिला था लेकिन तब तो क्या हुआ उसने अपना जो है उस बुढ़िया के घावों के ऊपर वो अपना बैग ढक दिया कपड़ा उसका ठीक है और जब बाद में इंस्पेक्शन हो रहा था जब टीचर सबके बस्ते देख रही थी तो जब यशोदा का नंबर आया तो उसके पास तो कोई बस्ता भी नहीं था बच्चों वो तो अपनी बुकें लेकर हाथ में खड़ी हुई थी तो तब टीचर ने पूछा कि तुम्हारा बस्ता कहाँ है यशोदा तो यशोदा ने कोई जवाब नहीं दिया तो बाद में जब वो अध्यापक उसको जो टीचर को गुस्सा आ गया तो तब उसने सारी बातें उसकी सहेली ने उसे बता दी कि मैम ऐसे ऐसे हुआ था एक बूढ़ी स्त्री की इसने हेल्प करी और उसने अपने बैग की सिलाई उधेड़ कर कपड़ा उसको ढक दिया बुढ़िया के जख्मों पर तो जब टीचर ने ये बात सुनी तो उनकी आंखें आंखों में आंसू आ गया कि बताओ कितनी अच्छी लड़की है कि उसने उस बुढ़िया की हेल्प करी तो उसने पूरी क्लास के सामने ही अनाउंस कर दिया बच्चों कि इस इनाम का हकदार ये लड़की यशोदा ही है क्योंकि उसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर अवस्था उसके शरीर पर डाल दिया तो उसके बाद में उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाल कर यशोदा को दे दी यशोदा बहुत खुश हुई क्योंकि किसी भी चीज़ की असल में अच्छाई या उसकी इम्पोर्टेंस उपयोगिता तभी होती है बच्चों जब वो किसी के काम में आए किसी अच्छे काम में आए है ना उसकी सुंदरता में उसकी कोई यूज नहीं होता उसकी उपयोगिता में उसका यूज होता है यही कारण था कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया तो उसका जीवन मूल्य यही है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए बिना किसी स्वार्थ भाव के ओके स्टूडेंट्स अब चलिए देखते हैं इसके शब्द मैत्री पाठशाला यानी विद्यालय इनाम यानी पुरस्कार मनोहर यानी सुंदर निपटारा समाप्त करना लहू यानी खून तंग करना का मीनिंग है परेशान करना दृष्टि का है निगाह जख्म का है घाव फैसला निर्णय निर्धन यानी गरीब इसके देखेंगे उत्तर लिखिए क्या सीखा क्या जाना यशोदा ने पाठशाला से लौटकर कर माँ से क्या कहा यशोदा ने पाठशाला से लौटकर कर माँ से कहा कि हमारी अध्यापिका अगले हफ्ते हमारे वस्ते देखेगी सेकंड क्वेश्चन यशोदा को इनाम मिलने का क्यों विश्वास था यशोदा को इनाम मिलने का विश्वास इसलिए था क्योंकि उसका वस्ता बहुत सुंदर था यशोदा की माँ ने कैसा बस्ता सिला यशोदा की माँ ने सुंदर सा बस्ता सिला फोर्थ है यशोदा को बुढ़िया पर दया क्यों आई बुढ़िया की दयनीय अवस्था देखकर यशोदा को उस पर दया आई किसने किससे कहा बच्चों मैं चाहती हूँ कि यह ना मुझे मिले ये कहा था यशोदा ने माँ से ठीक है बच्चों ध्यान से करना इसको याद भी करना है आपको सेकंड है मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है किसने कहा था माँ ने यशोदा से तीसरा तेरा बस्ता बहुत सुंदर है लड़कियों ने यशोदा से फोर्थ एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है अध्यापिका ने छात्राओं से और पांचवा है तुम्हारा बस्ता कहाँ है ये कहा पूछा था अध्यापिका ने यशोदा से वाक्य प्रयोग कीजिए बड़े चाव से बंदर केला बड़े चाव से खाता है इसके अलावा आप कोई सभी वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कर सकते हैं दूसरा है फूली ना समाना यशोदा अपना बस्ता देख कर फूली ना समाई ठीक है आगे है गले लगना इसमें है रवि खुशी से अपनी माँ के गले लग गया फोर है भरे गले से यशोदा ने भरे गले से कहानी सुनाई प्रसन्नता का ठिकाना ना होना इनाम पाकर यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं था व्याकरण बोध देखिए बच्चों इसमें विशेषण और विशेष आपको अलग अलग करके लिख रहे हैं ठीक है ना अलग अलग करके विशेषण अलग कोलम पे और विशेष अलग कोलम में सुंदर गुड़िया का हो जाएगा विशेषण सुंदर विशेष गुड़िया मनोहर फूल का मनोहर विशेषण फूल विशेष्य निर्बल गुड़िया का निर्बल विशेषण गुड़िया विशेष्य हजारों आशीर्वाद में हजारों विशेषण और आशीर्वाद विशेष्य अच्छा बस्ता में अच्छा विशेषण और बस्ता विशेष्य पार्ट है बच्चों दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए आपको माँ का लिखना है माता जननी पुस्तक का किताब पोथी फूल का पुष्प सुमन लहू का रक्त खून आँख का नेत्र नयन इसके अलावा बहुत सारे और पर्यायवाची भी हैं जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हो गय पार्ट है आपका शब्दों को शुद्ध कीजिए देखिये निर्धन ऐसे लिखा जाता है के ऊपर रह निकलेगा अध्यापिका नहीं होता अध्यापिका होता है छोटे की मात्रा लगती है निरीक्षण नहीं निरीक्षण होता है रह पर बड़े की मात्रा लगेगी बुढ़िया नहीं होता है बुढ़िया होता है यहाँ छोटे की मात्रा लगेगी अधिकार नहीं होता अधिकार होता है छोटी की मात्रा दह पे लगेगी ओके स्टूडेंट्स नाव देखेंगे आप मौखिक उत्तर मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है हैजा स्काउटिंग के जनक कौन है बच्चों वेड एन पावल मिट्टी के खिलौने कौन बनाता है सबको पता है ना वेरी इजी कुमार आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं बैडमिंटन वॉलीबॉल दौड़ प्रतियोगिता ओके okay, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं कुछ अलग करके निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर लिखिए कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा किसी की सेवा करना अच्छा कार्य है बच्चों किसी को धक्का देना बुरा कार्य है अंधे को सड़क पार कराना अच्छा कार्य है प्रतियोगिता में भाग लेना अच्छा कार्य है परोपकार का महत्व इस विषय पर अपने दस विचार वाक्यों में लिखिए लिख दो दो है परोपकार का का से कोई संबंध न हो न ही उसे किसी पूर्ति की भावना से किया हो साथ ही यदि कार्य बदले में कुछ पाने की भावना से किया जाए तो वह भी परोपकार की श्रेणी में नहीं आएगा इस प्रकार परोपकार का अर्थ बिना स्वार्थ के भलाई करना है ओके okay, स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर टू का पूरा रिवीजन करा दिया अच्छे से दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है सब कुछ आपको लिख लिख कर लर्न करना है मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के थर्ड चैप्टर टिल देन टेक केयर बाय